गुना में पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में फरार दो आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस की तमाम घेराबंदी को तोड़ते हुए दोनों आरोपियों ने गुना कोर्ट पहुंचकर सरेंडर कर दिया, लेकिन कोर्ट में सरेंडर से पहले दोनों आरोपियों का एक वीडियो भी एमपी तक को मिला है। इस वीडियो में दोनों आरोपी कह रहे हैं कि वो कोर्ट में सरेंडर करना चाहते हैं, उनके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं है, पुलिस उन्हें घेर रही है, लिहाजा कोर्ट उन्हें शरण दे। विक्की और गुल्लू नाम के दोनों आरोपियों की तरफ से वकील मजहर आलम ने कोर्ट में आवेदन पेश किया और आरोपियों की जान को खतरा बताते हुए सरेंडर की अपील की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। फिलहाल गुना पुलिस ने कोर्ट में दोनों की रिमांड की मांग की, जिसे कोर्ट ने मान भी लिया। अब दोनों आरोपियों को पुलिस गुना के आरोन लेकर जाने वाली है, जहां इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि 14 मई को गुना के आरोन थाना इलाके में देर रात पुलिस और काले हिरण की शिकारियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। दरअसल बदमाश काले हिरण और राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करके ले जा रहे थे। इसी दौरान गश्त पर निकले पुलिस कर्मियों ने उन्हें ललकारा तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से हुई इस मुठभेड़ में एक शिकारी मौके पर ढेर हो गया तो वहीं 3 पुलिस कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना के बाद राज्य में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया और 2 आरोपियों के शॉर्ट एनकाउंटर भी हुए थे। वहीं ये दोनों आरोपी अब तक फरार थे।